नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वदेशी हेल्थ में। दोस्तों, हमारे दिमाग में रॉ फूड का नाम आते ही हमारा दिमाग कच्चे सलाद के बारे में ही सोचता है, और यह भी सोचते हैं कि रॉ फूड में प्रोटीन ज्यादा नहीं होता, इससे तो हमारे शरीर को केवल विटामिन ही मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं इस मिथ को आपके दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक रॉ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरी हुई रेसिपी, रॉ ह्यूमस। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हल्का अंकुरित काबुली चना चाहिए 1/4 कप। आपको क्या करना है, काबुली चना को पानी में भिगो देना है 24 आवर्स के लिए। इन 24 आवर्स में आपको बीच बीच में इसका पानी चेंज करते रहना है। उसके बाद पानी में से निकाल कर इस चने को एक ड्राई प्लेट के ऊपर फैला देना है और उसके ऊपर भीगे कपड़े रख देने हैं, जिससे ये चना हल्का अंकुरित हो जाएगा 12 घंटे के अंदर। इसको चने को पूरा अंकुरित नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्का अंकुरित करना है। ये आप देख सकते हैं, अगर ये पूरा अंकुरित हो गया तो इसमें थोड़ा सा सड़न जैसा स्मेल आएगा। अंकुरित मूंग चाहिए 1/4 कप। मूंग को आपको 24 आवर्स पानी में भिगो देना है। सोक्ड सीड चाहिए 1/4 कप। आप कोई भी सीड ले सकते हैं, हमने यहाँ पर तरबूज का सीड लिया है 1/4 कप। सोक्ड तिल चाहिए 2 चम्मच। इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था तिल को। रॉक सॉल्ट चाहिए 1 चम्मच। गार्लिक क्लोव चाहिए 2। नींबू का रस चाहिए 1 चम्मच। चिली फ्लेक्स चाहिए 1 चम्मच। पानी चाहिए 1/2 कप। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को इस ब्लेंडर के अंदर डाल करके ग्राइंड करेंगे। काबुली चना, मूंग, तरबूज के बीज, तिल, सॉल्ट, गार्लिक और लेमन जूस, और डालेंगे थोड़ा सा पानी। चलिए अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए, हमारा मिक्सचर ग्राइंड होकर तैयार हो गया है। अब हम इसे इसके अंदर सर्व करेंगे। ये देखिए, हमने इसको सर्व कर लिया है। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स के साथ। तो देखिए, रेसिपी हमारी तैयार हो गई। थोड़ा मैं इसे टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ। सिजमी सीड का एक क्रीमीपन है, नमक का खारापन है, नींबू का खट्टापन है, सब मिल के टेस्ट को एक साथ बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। नाइस, ये बनाइए आप अपने घर में और टेस्ट कीजिए। दोस्तों, आप इस रेसिपी को बनाइए और गाजर, खीरा, टमाटर और किसी भी कच्ची सब्जी के साथ खाइए। काफी स्वादिष्ट और टेस्टी है यह रेसिपी, बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अंकुरित अनाज का उपयोग किया गया है, जो कि सेहत के लिए काफी अच्छा है। इस तरह के रॉ, हेल्दी और वीगन रेसिपीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वदेशी हेल्थ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।